नमस्कार, जनता दरबार में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा। खबरें एक झलक में नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शनिवार तड़के इसराइल ने ईरान के खिलाफ 25 दिन बाद एक बड़ा पलटवार किया। जानकारी के अनुसार इस ऑपरेशन के दौरान इसराइल डिफेंस फोर्स ने महज 3 घंटे में 20 ठिकानों पर हमले किए, जिसमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे शामिल थे। हमले की शुरुआत स्थानीय समय अनुसार रात 2:15 पर हुई। यह तड़के 5 बजे तक जारी रहा। IDF के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई 1 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले के जवाब में की गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS ने CM योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान का समर्थन किया है। मथुरा में सरकारी वाह दत्राते होसबोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हिंदू समाज एकता में नहीं रहेगी तो आजकल की भाषा में बटेंगे तो कटेंगे हो सकता है। जयपुर में चंदा मांगने के बहाने आए 2 युवकों ने एक 18 साल की युवती को हिप्नोटाइज किया और फ्लैट में घुसे। दोनों बदमाशों ने युवती से घर में रखे गहने मांगे तो युवती ने तिजोरी से निकालकर दे दिए। इसके बाद बदमाशों ने युवती को एक कुर्सी पर बैठाया और फ्लैट के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिए, फरार हो गए। जयपुर के वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए अच्छी खबर है। जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व में मादा लेपर्ड फ्लोरा अपने 3 नन्हे शावकों के साथ झालाना लेपर्ड सफारी करने वाले पर्यटकों को रोमांचित कर रही है। शनिवार को झालाना लेपर्ड रिजर्व पहुंचे पर्यटक फ्लोरा को अपने 3 नन्हे शावकों के साथ देखकर रोमांचित हो गए। जयपुर एयरपोर्ट पर आबू धाबी में पहुंचे पैसेंजर के रेक्टम से करीब 1 किलो वजन के गोल्ड के 3 टुकड़े निकाले गए। इनकी कीमत 90 लाख रुपए से ज्यादा है। डॉक्टर्स ने 2 दिन में अलग अलग ऑपरेशन कर गोल्ड को रिकवर किया। 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में रन फॉर आयुर्वेद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जुम्बा डांस के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंजू शर्मा सांसद जयपुर, कुसुम यादव महापौर हेरिटेज नगर निगम जयपुर, अमिताभ शर्मा महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, प्रोफेसर संजीव शर्मा कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, पुनित कुन्नावत उप महापौर नगर निगम ग्रेटर रजत विश्नोई पार्षद हेरिटेज ने रन फॉर आयुर्वेद को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोने और चांदी की कीमत हर दिन अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। शनिवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 600 रुपए की तेजी आई। इसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 80,900 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में शुक्रवार को आई मामूली गिरावट के बाद फिर से तेजी से देखने को मिल रही है। पंजाबी पॉप सिंगर दिलजीत दोसांझ और ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्ड प्ले के अपकमिंग कॉन्सर्ट इंडिया में होने हैं। दोनों कॉन्सर्ट के टिकट स्कैम पर ईडी ने शुक्रवार को 5 शहरों में छापेमारी की है। ईडी ने जांच में पाया कि इन कॉन्सर्ट्स के टिकटों को जमकर कालेबाजारी की गई है। इसके साथ ही ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। हैदराबाद में अपनी हालिया रिलीज फिल्म लव रेड्डी की स्क्रीनिंग पर पहुंचे तेलुगु एक्टर एनटी रामा स्वामी पर एक महिला ने हमला कर दिया। फिल्म की स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद जब सभी एक्टर्स स्टेज पर मौजूद थे तभी भीड़ में से एक महिला स्टेज पर पहुंची और एनटी रामा स्वामी पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने लगी। न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार सीरीज जीत का इतिहास रच दिया। इंडिया का घर में लगातार 19 सीरीज जीतने का सपना भी टूट गया। पुणे में खेले दूसरे टेस्ट में कीवियों ने 113 रन में जीत दर्ज की। इस जीत के साथ कीवियों ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।